सो गाइज फाइनली यार हमने मोल कंसेप्ट की सारी थ्योरी कर ली है, तो अब चलो यार लास्ट में उसके दमदार कुछ प्रीवियस ईयर करते हैं, देखते हैं हमने अभी तक कितना सीख लिया। तो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ जेई 2019 में 9 अप्रैल को, इसको करेंगे, और एक फिर करेंगे जेई 2019 में ही आया हुआ 12 अप्रैल को क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गाइज मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसको आप याद रखना, जो कि अपना पिछले लेक्चर में थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो उसको उस फॉर्मूले को आज हम क्वेश्चन के जरिए ही खत्म कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो पहला अपना क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI। तो देखो गाइज हमें मोलैलिटी पूछा हुआ है, मोलैलिटी क्या होता है गाइज, बोलो बोलो जल्दी, मैंने बताया था आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, ठीक है ना, इन केजी। अब देखो गाइज हमने 20% वेट बाय वेट दिया, तो वेट बाय वेट का मतलब क्या बताया था गाइज मैंने, कि 20 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, बहुत ही क्लियरली बताया था, ठीक है ना, पता होना चाहिए। तो 20 ग्राम अपने पास वेट ऑफ सोल्यूट क्या है, 20 ग्राम। तो गाइज वेट ऑफ सोल्यूशन अपने पास 100 ग्राम है, तो 20 ग्राम उसमें सोल्यूट है, तो सोलवेंट कितने ग्राम रह गया, तो सोलवेंट अपना 80 ग्राम रह गया, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपके 4 नंबर 3 के हैं। तो देखो अब हम बस सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल क्या है गाइस, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, चीख चीख के इतनी बार बता चुका हूं, क्या करना है आपको, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। तो देखो गिवन वेट कितना है अपना 20, एटॉमिक वेट कितना है अपने पास 166, पहले से ही आपको दिया हुआ है उन्होंने इतना सब कुछ, आपको सब कुछ पहले दिया हुआ है प्रोस के। तो देखो उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपना 80 है, ठीक है ना, एक ग्राम में है, लेकिन इसको केजी में लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना, तो उसके बाद ये कटेगा, ये 4 आएगा, तो उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, जब 254 डिवाइड बाय 166 जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइस, तो आपका आंसर आएगा ये, इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि यही टाइम आप अपना बचा सकते हैं अपने कुछ 2 क्वेश्चन और करने में, तो इसको सोल्व आप करने का, आप तो मैथ के स्टूडेंट हो, आपको तो कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, तो इसको आप आराम से सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। देखो क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी था जो मैंने कराया उसके अलावा कुछ भी आया, कुछ भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आई होप सब क्लियर हो गया हो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस साथ साथ में थोड़ा बहुत खुद भी करते रहो, मैं आपको कराते जा रहा हूं और साथ साथ में आपने एडवांस के क्वेश्चन करते रहने हैं, ठीक है ना, एडवांस के क्वेश्चन भी गाइस आप साथ साथ में 5, 6, 10, 15 ऐसे रोज के दिन के 5-10 क्वेश्चन भी करो। देखो जैसे मैं जो टॉपिक आपको करा रहा हूं उसके आप कम से कम 15-20 क्वेश्चन एडवांस के लगाते रहोगे तो गाइस आपकी रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना, तब आप कुछ अलग से कर पाओगे। जैसे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो हंड्रेड्स ऑफ अमाउंट में बच्चे देख रहे हैं अभी, ठीक है ना, उनमें से अब उनमें भी तो आपका कंपटीशन है ना, क्योंकि वो तो सब लोग सब कुछ देख रहे हैं, आप भी वही चीज देख रहे हो, तो उनमें भी कॉम्पिटिट करने के लिए आप कुछ अपने तरफ से भी करो, है ना, तब जाके मजा आएगा कुछ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको रेस कर दे, और तो देखो बस एक मिनट रुको, तो देखो जेई वाला क्वेश्चन कितने आसान आया था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था गाइस, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, तो आप मात्र मैं आपको 30 मिनट में कहता हूं कि आप 30 मिनट में उधर जाके जेई के क्वेश्चन कर सकते हो, बस आप लेक्चर कंप्लीट देखते रहना और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज 0.8, क्या पूछा है, मोलैलिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन पूछा हुआ है गाइस, जेई 2019 12th अप्रैल में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको एक चीज याद रखनी है गाइस बस, ये देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 XB डिवाइड बाय XA MA, है ना, ये अब XB क्या बताया था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो बस ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि अपना कल मैंने आज जो आपको लेक्चर कराया उस मोल फ्रैक्शन वाला उसके बारे में मैंने बताना था, लेकिन उसमें अपनी जगह नहीं बची थी, तो मैंने सोचा उसको एक फॉर्मूले के आपको एक क्वेश्चन के जरिए करा दूंगा तो आपको याद भी ज्यादा रहेगा। तो देखो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, वैसे तो इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मतलब जो सिंपल मोलैलिटी की डेफिनेशन है, लेकिन इसको याद रखो, एग्जैक्ट लगाओ सीधा। तो देखो
हमें क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना 0.8, ठीक है ना गाइस, बहुत क्लियर है। तो देखो मोल, अच्छा ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1 के, है ना, क्योंकि देखो जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट भी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट ही होते हैं, तो सॉल्वेंट के जब मोल फ्रैक्शन इतने हैं तो अपने सॉल्यूट के मतलब उसमें जब 1 में से माइनस कर देंगे तो उसके रह गए, है ना, इतने परसेंट ए है तो उसमें से अगर एक मतलब इन दोनों जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम तो हमेशा 1 ही रहता है ना, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो अपना इधर से एक्स भी क्या आ जाएगा 0.2, तो बस यार अब तो कुछ नहीं रह गया, बस इधर पुट करो 1000 एक्स भी, ठीक है ना, एक्स ए एंड और क्या दिया हुआ है एम ए, एम ए क्या है गाइज मोलर मास ऑफ ए, सोलवेंट कहा हुआ है। तो देखो गाइज अच्छा इधर हमें सोलवेंट दिया नहीं हुआ है, तो देखो सोलवेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन कहा हुआ है। तो गाइज एक्वस सॉल्यूशन में सोलवेंट क्या होता है अपना, सोलवेंट क्या होता है पानी, ठीक है ना, वाटर। तो इधर हम मोलर मास किसका लेंगे, मोलर मास ऑफ वाटर। बहुत ही क्लियर क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस एक्वस का मतलब आपको पता ही होगा यार, एक्वस, ठीक है ना। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 4 आएगा इधर, अब इसको सोल्व करोगे तो 1000 18 × 4 गाइज देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज, बस आपको स्टेप टू स्टेप चलना है, बस जो मैं एक बार थ्योरी करा रहा हूं उसको दिमाग में रख लो, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो गाइज। तो देखो 100 ही निकल रहा है मुंह से, तो 72, ठीक है ना, तो इससे हमें साफ ही क्लियर हो रहा है गाइज कि आंसर यही होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकते फ्रैक्शन में, आप तो मैथ के स्टूडेंट हो सीधे ही देख पा रहे होंगे कि अपना ये आंसर तो हो ही नहीं सकते, तो अपना गाइस सीधा आंसर आ गया है। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं कि बैठ के सोल्व करने लग जाओ भाई, जब ऑप्शन ही से क्लियर हो रहा है तो क्यों सोल्व करें, ठीक है ना, अपना टाइम बचाया करो जितना बचा सकते हो। तो गाइस इसमें हम क्या सीखे, एक फॉर्मूला सीखे कि जब हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो मोलैलिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि आपके पास उधर टाइम कम होता है, आपको केमिस्ट्री में जितना टाइम आप बचा सकते हो उतना टाइम बचाओ, ठीक है ना, इसलिए उसको फॉर्मूला याद रखेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, अपने 30 से 35 सेकंड बचेंगे तो मजा आएगा, ठीक है ना गाइस। तो देखो दोनों को हमने जेई 2019 के क्वेश्चन किए हैं, कुछ भी टफ था इसमें, बिल्कुल भी कुछ भी टफ नहीं था। तो गाइज इस बात का ध्यान रखना, कभी भी पेपर टफ नहीं आएगा, अपना जेई का डर बाहर निकालो, तभी आपकी जो अंदर एक्चुअल पोटेंशियल है वो आप कर पाओगे, ठीक है गाइज। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार, इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है गाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो लेना है तो। गाइज चलो यार दो क्वेश्चन और करते हैं, जेई 2019 में आया है 9 जनवरी को, और एक जेई 2019 में 10 जनवरी को आया गाइज, तो देखो कितना लो लेवल है, मतलब लो लेवल तो नहीं कह सकते, मतलब आपको जिस लेवल का मैं लेक्चर दे रहा हूं उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखो कितने इजी आए हैं, तो बहुत ही गाइस, बस मेरा काम है आपका डर खत्म करना, एक बार मैंने आपका डर खत्म कर दिया तो उसके बाद आप अपना पोटेंशियल स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो अच्छा मतलब काफी बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका पोटेंशियल स्कोर 200 या 250 होता है, ठीक है ना, लेकिन वो स्कोर 100 भी नहीं कर पाते, उसका मेन रीजन नहीं है गाइस, क्योंकि उनके अंदर दुनिया ने डर डाल दिया होता है कि भाई नहीं जेई तो बहुत टफ है, तो उसी डर के मारे वो अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाते। तो डर आपका एक बार खत्म हो गया, उसके बाद देखना आप जो चाहते हो आपको जरूर मिलेगा, और वो आपका डर मैं खत्म करके रहूंगा जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट देखो अब इसका लेवल दिखाता हूं आपको जेई का क्या है, और सीरियल वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि गाइस की कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो उसको रहन देता हूं, ठीक है ना। A solution of sodium sulfate contain 92 gram of sodium ion per 1 kg of water. Molality of sodium ion in that solution पूछा हुआ है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो देखो मोलैलिटी मैंने आपको बताया था अभी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, गिवन वेट अपना 92 ग्राम, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23, पता है ना 23, और उसके बाद मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, अब वॉल्यूम ऑफ क्या नाम है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है गाइस 1 kg, है ना, सॉल्वेंट वाटर 1 kg है तो 1 kg, तो अपना सिंपली सॉल्व हो गया, ये आ गया अपना 4
काफी लोग तो हंसने लग गए होंगे, भैया जेई में आया हुआ है क्वेश्चन। भाई देखो जेई में क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना भाई। गाइस आपके मैं बता रहा हूँ कि आपके केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, मैथ के 15 to 17 क्वेश्चन और फिजिक्स के 18 to 19 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। तो देखो कितने मैंने आपको क्वेश्चन गिना दिए, अप्रोक्सीमेटली 55 प्लस क्वेश्चन गिना दिए। और 55 प्लस क्वेश्चन का मतलब जानते हो ना, 55 प्लस इंटू 4 का मतलब आप देख सकते हो आराम से अपने आप 220 मार्क्स। तो इतने मार्क्स तो आप इजिली स्कोर कर सकते हो इजिली, ठीक है ना। तो कोई गलती नहीं करनी है, जैसे गलती अगर आपने कोई कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको गाइड करता जा रहा हूं बीच बीच में, क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं, पर तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन गाइड नहीं किया जा रहा है उन्हें। असल में क्या हो रहा है गाइस, अपने जैसे कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में दो साल, मतलब कोचिंग में बच्चे 2-2 लाख बच्चे आ रहे हैं कोचिंग पर करने, तो लेकिन टीचर क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि टीचर पढ़ा तो रहे हैं उन्हें लेकिन उनको बता नहीं रहे कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। तो सबसे मेन पॉइंट गलती ये कर रहे हैं लोग, आई होप आप भी ये फील कर पा रहे हो जो मैं आपको कह रहा हूँ, कि टीचर हमें पढ़ा तो रहे हैं लेकिन पढ़ना कैसे है ये कोई नहीं बता रहा है। तो वही सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, अब आप इधर आ गए हो तो आपका सब सॉल्व होता रहेगा यार। मैं अपने तरफ से आपको मैक्सिमम देता रहूंगा जितना भी दे सका, ठीक है ना। और आप सुजेशन करा करो यार, कमेंट किया करो, मजा आता है, थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा आपसे बातें कर, मतलब आपसे बातें करने भी अच्छा लगता है और मजा भी आता है। तो कमेंट किया करो, जी जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव कमेंट ही करना है, आप नेगेटिव कमेंट करो इंप्रूवमेंट के लिए करो, कि भैया नहीं ऐसे नहीं ऐसे कराओ, तो ऐसे वैसे चीजें करो कि मुझे पता लगे, आपसे इंटरेक्शन बनती रहे। नहीं तो मैं कराऊं और आप बस आपके अंदर जो बात है कि आपको, क्योंकि जब आप लेक्चर देखते हो तो आपके अंदर कोई तो फील होता है ना कि यार इसने अच्छा कराया कि नहीं कराया, तो उस फील को बस लेके बंद ना कर दो, उसको कम से कम कमेंट में लिखो तो ना, कि मुझे भी आपका फील पता लगे, ठीक है ना गाइस। चलो फालतू का आपका टाइम बहुत खराब हो गया, तो नेक्स्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ, वैसे शुगर का फॉर्मूला आपको दिया हुआ था उधर, ठीक है ना, C11H22, ठीक है ना, O11। ये आपको शुगर का फॉर्मूला उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे, ठीक है ना, मैं लिखना भूल गया। अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो अब अमाउंट ऑफ शुगर पूछा हुआ है, तो हमें मोलैलिटी दी हुई है ना, मोलैलिटी का सिंपल लिखा था हमने, कैपिटल M होता है, ये हमें मोलैलिटी दी हुई है, तो वॉल्यूम दिया हुआ। तो देखो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट देखो क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 0.1, ठीक है ना। उसके बाद मोल्स, हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2, है ना, और हमें मोल्स, हमें क्या पूछा हुआ है, अमाउंट ऑफ शुगर। तो अमाउंट ऑफ शुगर देखो मोल्स को निकाल लेते हैं, मोल्स को कैसे लिख सकते हैं गाइस हम, गिवन वेट क्या भैया बार बार वही कराते जा रहे हो भाई, आइए अब मैं क्या करूं, जो आ रहा है वही करा सकता हूं ना आपको। तो देखो गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट, मोलर वेट ऑफ शुगर इज 342, इतना गाइस ये आपको याद रखना हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन जल्दी होंगे। एक शुगर का वेट याद रखना और ग्लूकोज का भी याद रखना, ठीक है ना, ग्लूकोज का कितना होता है 78 ग्राम, ठीक है ना, 78 ग्राम ग्लूकोज का होता है और शुगर का ये होता है, दो ऐसे मतलब कंपाउंड है जिनके हमको मोलिकुलर वेट याद होने चाहिए, तो ज्यादा जल्दी हो जाता है, नहीं तो आप पहले सोल्व करोगे 11 into 12, ठीक है ना, फिर 22, ठीक है, उसके बाद 16 into 11, उसके बाद इनको सोल्व करोगे अलग अलग फिर जाके निकालोगे, तो इससे अच्छा है याद भी रह जाते हैं ज्यादा, बच्चों को आपको याद ही होंगे, जिनको नहीं याद हो आप याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोलर वेट हमें कितना दिया हुआ है, तो देखो मोलर वेट की जगह पे हम लिख देते हैं 342। तो गाइस जब इसको इधर सोल्व करोगे तो अपने पास वेट आएगा 0.1 into 2 into 342। तो देखो अपने पास क्या आया, तो देखो 34.2 हो जाएगा ये, है ना, आगे 2 तो अपने पास आ जाएगा कितना, ये अपना हो गया 68.4। तो 68.4 गाइस आंसर आ गया एंड ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो हाई होप सब क्लियर हो रहा है। तो इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो लेना है तो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ले लो। चलो गाइस दो क्वेश्चन और करते हैं यार, एक जेई 2019 में आया हुआ है 12 जनवरी को, एक आया हुआ है जेई 2006 में,
तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्ट एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्ट हमें फाइंड करनी है ना। इधर फाइंड लिखना था, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्ट एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना आपको सिखाया था मैंने, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्ट निकालना है, तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्ट क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। हमने मोल फ्रैक्शन देखा था, ये होता है। तो मोल फ्रैक्शन पहले निकालो, देखो पहले इसके मोल निकालो, NaOH क्या है, NaOH अपना सोल्ट है, है ना। तो इसके मोल निकालो, गिवन वेट, तो देखो गिवन वेट अपना 8 है, एटॉमिक वेट, तो देखो इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, 23 16 प्लस 1, तो 24, तो 1640 आ गया, ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये अपना आ जाएगा 1/5, एंड 1/5 इज इक्वल टू 0.2, तो 0.2 मोल आ गया अपने पास Nb। तो अब इसके नंबर ऑफ मोल भी निकाल लेते हैं ना, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, 18 डिवाइड बाय 18, है ना, वाटर है, तो एक इसके नंबर ऑफ मोल आ गए 1, ठीक है ना। इसके नंबर ऑफ मोल 1 है और इसके 0.2 है, तो इसको ऐसे लिख लो चलो, ठीक है ना गाइस। ये हमने नंबर ऑफ, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो हमने वही किया जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल आ गए, अब मोल फ्रैक्शन निकाल लो गाइस। देखो Nb 0.2, टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होगा, Na प्लस Nb, बहुत सिंपल, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो 0.2 इंटू 1.2, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 डिवाइड बाय 12, तो 1/6, है ना। तो 1/6 को सॉल्व करते हैं, तो 1/6 को करेंगे तो अपना आ जाएगा 0.167, तो अपना मोल फ्रैक्शन आ गया 0.167। तो देखो गाइज 0.167 अपना ए भी है और ए भी है, तो मतलब ये तो ऑप्शन तो पहले गलत हो गए, पहले इतना तो क्लियर हुआ। तो अब रह गया अपने पास मोलैलिटी फाइंड करनी है, मोलैलिटी रह गई गाइज, उसका मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया ही हुआ है, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं, देखो ये हो गया ना अपना, एक मिनट इसको थोड़ा सा फिर से लिख देता हूं मैं, है ना। तो इसी जगह अपने पास कम है, मैं ज्यादा लिख के आता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अपने पास मोल फ्रैक्शन कितना आया, 0.167। तो इसी तरह का हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी निकाल लेंगे, मैंने सिखाया था ना कि मोल, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 माइनस 0.167, तो अपना क्या आएगा आंसर इधर, 0.8 एंड 3, ठीक है ना, यही अपना है, हाँ ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ अपना ए भी निकाल लिया हमने। अब मैंने आपको क्या बताया था, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने एक मोल फ्रैक्शन के जरिए आपको बताया था, बहुत इजी फॉर्मूला था। देखो 1000 XB डिवाइड बाय XA MA, ठीक है ना, बहुत सिंपल फॉर्मूला था। तो देखो 1000 XB कितना है गाइस अपना, 0.167, ठीक है ना, एंड उसके बाद XA MA। अब MA देखो गाइस क्या है, हमें क्या दिया हुआ, सोलवेंट, एक इसके लिए हम कनेक्ट करते थे सोलवेंट के लिए, तो सोलवेंट अपना क्या है, वाटर। तो वाटर का मोलर मास कितना है गाइस, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तब आपका आंसर ए ही आएगा गाइज, चाहो तो मैं सोल्व भी कर सकता हूं लेकिन आपका टाइम खराब होगा, इसलिए नहीं कर रहा हूं यार, नहीं तो मैं मैथ आपको मैथ कराऊंगा तो ये तो सोल्व करना मेरे लिए इजी है ना, तो इसलिए आपको नहीं करा रहा हूं मैं सोल्व। और थोड़ा आप अपने आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है गाइज, कि जैसे जैसे आपको चीजें दी हुई है वैसे वैसे लिखते जाओ, सब कुछ सोल्व होता जाएगा, ठीक है ना। अभी तक देखो हमने जेई 2019 के तो सारे क्वेश्चन कर दिए, सारे के सारे, कोई भी टफ क्वेश्चन था एक भी क्वेश्चन बता दो जो टफ था, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आएगा गाइज, ठीक है ना। आपको मैंने जो बताया है कि 55 क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं, अगर आपने मेरे लेक्चर अटेंड कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है गाइज। या तो किसी भी, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने मुझको ही देखना है, किसी भी टीचर को देखो, बस ये है कि उस पर भरोसा पूरा करो, ठीक है ना। आपको यार 2-3 लेक्चर में ही पता लग जाना चाहिए कि वो टीचर से आपको जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, 2-3 लेक्चर में डिसाइड करो, उसके बाद अपना काम करो। जब आपके दिल तक आवाज आ रही है कि हाँ भाई ये टीचर मुझे करा देगा कुछ,
तो उससे भरना स्टार्ट करो बस, और उसी में पूरा बिलीव करो। ये नहीं कि एक महीना कहीं और कर रहे हैं, एक महीना कहीं और कर लेते हैं, उसमें बात नहीं बनेगी गाइस। करो एक ही जगह, एक टीचर को ही अपना मानो कि ये अपना ही टीचर है भाई, ये हमें कराएगा, ये मुझे दरवाजा खोल के दिखाएगा NIT IIT का, ठीक है ना, उस पर भरोसा करो, तभी बात बनेगी। प्रॉब्लम यही है यूट्यूब में, यूट्यूब में सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि हम बार बार कभी उधर चले जाते हैं, कभी किसी चैनल पे चले गए, कभी किसी चैनल पे चले गए, ठीक है ना। मैं नहीं कहता कि आप मेरा चैनल देखो, जहां मर्जी देखो गाइज, आपके एक व्यू से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक व्यू से आपसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप में से एक भी अगर कोई NIT IIT पहुंच गया, उससे मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग देखो आपको कहां से अच्छा मिल रहा है, जहां से आपको अच्छा लगे उधर से करो। अगर आप देख, आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये देखो मैं ऐसी थ्योरी करा रहा हूं और मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, जब आपके दिल तक मेरी आवाज पहुंच रही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता इसको क्रॉस करने में, कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए एक एक जगह पे फोकस रखो और पूरा लेक्चर देखो, यानी कि स्किप कर करके देख रहे हैं, ठीक है ना, फिर बात नहीं बनेगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मैंने आपको बताया टीचर के बारे में, जो उसको करते रहना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेंसिटी ऑफ 2.05 मोल मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन पूछा हुआ है। देखो गाइस, हमें मोलैरिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, मोलैरिटी पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको क्या कराया था, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी के बीच में एक रिलेशन कराया था, बहुत ही प्यारा सा, 1000 m डिवाइड बाय 1000 d माइनस m b, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो देखो m क्या है, मोलैलिटी तो दिया हुआ है, सब दिया ही होगा यार, कहीं से निकालोगे तो ना, कि आपको कुछ दिया ही नहीं है, बस सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिया। क्वेश्चन वैसा ही आएगा कि आपको दिया होगा सब कुछ, बस आपको बस पता होना चाहिए कि चीजें क्या है, ठीक है ना। डेंसिटी दी हुई है हमें इतनी, 1.02 इंटू 1000 इंटू m है ना, मोलैरिटी फिर से 2.05, एंड हमें क्या कहा है उसके बाद, मोलर मास ऑफ क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट देखो क्या होता है गाइस, एसिटिक एसिड दिया हुआ है, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH है ना, यही होता है एसिटिक एसिड। तो इसका देखो आप निकाल लेते हैं मोलर मास, 12 + 12 है ना, दो कार्बन है अपने पास ना, तो उसके बाद 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, तो कितना आएगा गाइस, 24 + 4 गाइस, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझ जाना है ना, 20, क्योंकि आपको मैं मैक्सिमम क्वेश्चन देना चाहता हूँ कम से कम टाइम में, मेन रीजन यही है, नहीं तो मैं तो आपको बहुत आराम से करा सकता हूँ कि आपको मैं इंप्रेस करता रहूँ, ठीक है ना। 32 40 है ना, ये 40 हो गया और ये 60 आ गया, तो अपना गाइस कितना आंसर आ गया, 60। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 2.28। मैं बहुत आराम से गाइस सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप पर टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम जितना मैं ज्यादा आपका बचाऊंगा, उतना ही मैं आपको ज्यादा करवा भी पाऊंगा, और उतना ज्यादा आप टाइम एक टाइम बचाओ और अपने और क्वेश्चन करने में लगाओ, लेक्चर देखो, उसके बाद चलो भैया ने करा दिया, अब इसके और देखते हैं कि और क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर एडवांस में कौन से आए हैं, ओलंपियाड में कौन से आए हैं, KVPI में कौन से आए हैं, सब कर डालो यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो चलो हमने ये भी कर लिया, अब मैं इसको फिर से रिवाइज करता हूँ, फिर आता हूँ आपके लिख के लेके आता हूँ, दो और प्यारे क्वेश्चन उसको करते हैं, इसी तरह करते रहते हैं। तो गाइस चलो दो और पावरफुल क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 mHcl विद 250 ml ऑफ 2 mHcl विल बी। तो देखो गाइस मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको दो फॉर्मूले कराए थे मिक्सिंग के, एक नॉन रिएक्टिव के लिए, एक रिएक्टिव के लिए। तो मैंने आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बताया था, जैसी थ्योरी कराई देखो सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही आए, एक भी क्वेश्चन बता दो जो वैसा नहीं आया, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे, अच्छा देखो इसमें क्या कहा है कि HCl को मिक्स किया HCl से। तो गाइज मैंने आपको क्या बताया था, जब एसिड एसिड से मिक्स होता है या बेस बेस से मिक्स होता है तो क्या होता है, नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ओहो ठीक है ना, बस आपको यह समझना था कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, ठीक है ना।
तो देखो जनरली ये फॉर्मूला लोग याद भी रखते हैं, लेकिन एडवांस में गलती कर दोगे अगर आपने एडवांस में वो फॉर्मूला याद ना रखा जो दूसरा भी मैंने कराया। इसलिए आपको कंसेप्चुअली लेवल पे भी पता होना चाहिए, नहीं तो ज्यादातर बच्चे ये फॉर्मूला याद रखते हैं लेकिन वो नहीं याद रखते, ठीक है ना। तो देखो बस हमने मिक्सिंग वाला ये फॉर्मूला लगाना है और तो कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, M1 क्या है, M1 देखो मान लेते हैं अपना M1 है 0.5 × 750, ठीक है। एंड M2 कहाँ है गाइस अपना, 2, ठीक है गाइस। जाग रहे हो ना, क्वेश्चन में तो कम से कम जागते रहो यार, थ्योरी में बच्चे सो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन में तो ना जाग सो ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सो रहे होगे बीच में। मजाक कर रहा हूँ यार, बहुत अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हो आप, देख रहा है मुझे आपका रिस्पॉन्स कि मतलब बहुत ही रेगुलर स्टडी कर रहे हो। तो देखो 750 × 1/2 375, कैलकुलेशन वैसे गाइस कर लेनी चाहिए थी। चलो एक अब स्टार्ट कर दिया तो मैं कर लेता हूँ। तो देखो 750 × 375 और नीचे अपना 1000, तो 875 है ना, इधर ऊपर 875 आ जाएगा, 875/1000। तो 875/1000 इज ए अपना ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जेई मेन, देख लिया आपने क्या लेवल है। ऐसे ही हर एक चैप्टर होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जय जो मर्जी चैप्टर हो यार, थर्मो, इक्विलिब्रियम, सब ऐसे निकलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है ना। तो बस करते रहो रेगुलर और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, और मजे लो यार जिंदगी के, और कोई दिक्कत नहीं है गाइस। साथ साथ में दो दूसरे सब्जेक्ट भी करते रहना, फिजिक्स मैथ, नहीं तो सोचो कि केमिस्ट्री के दम पे जीत जाएंगे जंग, सिर्फ केमिस्ट्री के दम पे जीत नहीं पाओगे कुछ। ये क्या कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा अगर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, क्यों सोचते हैं कि भाई अपना मैथ वीक है, ठीक है ना, मैथ वीक है, हम ऐसा करते हैं कि केमिस्ट्री करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स को अच्छा कर लेते हैं तो चले जाते हैं आराम से, ठीक है ना गाइस। ये स्ट्रैटेजी आपके एडवांस के लिए सही है लेकिन मेंस के लिए बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी तो कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन तो होंगे ना जो उस टाइम दिमाग अपना ना चले, ठीक है ना, और फिजिक्स में भी ऐसे होंगे। तो मैथ में अगर देखो, जैसे मैथ, जैसे केमिस्ट्री की मैंने बात की कि केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन मान लो आपके इजी आएंगे लेकिन 5 क्वेश्चन तो गाइस टफ होंगे ना, उसी के जगह पे आपके मैथ में भी 15 क्वेश्चन इजी आएंगे, तो भाई उन 15 क्वेश्चन के लिए भी तो तैयार रहो। तो इसलिए तीनों सब्जेक्ट को मेंस में अच्छा बैलेंस लेके चलना है आपने। एडवांस में स्ट्रेटजी बना सकते हो कि 2 सब्जेक्ट अच्छे कर ले, एक सब्जेक्ट को इतना रख ले कि अपना कट ऑफ निकल जाए, ठीक है ना। एडवांस की एक स्ट्रेटजी भी मैं बना दूंगा आपको, मेंस की अलग बना देंगे, एडवांस की अलग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। वैसे आपको बता रहा हूँ कि दोनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट करते रहना, यानी कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि भाई केमिस्ट्री आसान है ठीक है उसको ही करते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास इतना दिया हुआ है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज दैट, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, ठीक है ना, मोलैरिटी पूछिए सॉल्यूशन की। हमें डेंसिटी दी हुई है ना, डेंसिटी दी हुई है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, देखो डेंसिटी दी हुई है हमें 1.15 है ना, 1.15 हमें डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो हमें सोलूट का वो दिया हुआ है मोलर मास, ओ गिवन मास है ना, सोलूट का हमें गिवन मास दिया हुआ है 120, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें, हमें वाटर दिया हुआ है, वाटर कितना दिया हुआ है हमें, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 1000 ग्राम, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो देखो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोलूट, तो मोल्स ऑफ सोलूट पहले देखो गिवन वेट डिवाइड बाय एटोमिक वेट, एटॉमिक वेट कितना है इसका, यूरिया का 60 दिया हुआ है आपको पहले से, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, और बस रह गया अब वॉल्यूम लिखना, वॉल्यूम निकालना बस गाइस। आपको डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन गाइस कितना होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही मास ऑफ अपना वही होगा ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में और कुछ तो आत्मा उत्मा तो नहीं है ना, बस यही दो चीजें हैं। तो अपना क्या आ जाएगा 1120 आंसर, ठीक है ना। तो अपना मास ऑफ सॉल्यूट आ गया और मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आ गया, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो अपना वॉल्यूम इधर से क्या आ जाएगा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो देखो बस इधर हमने क्या लिख देना है, मास अपना कितना आ गई 1120 × डेंसिटी कहां गई अपनी, ए रही, तो डेंसिटी अपने कितनी आया
डेंसिटी अपनी 1.15, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा गाइस, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। आपका आंसर आएगा 2.05 m, ठीक है ना। तो आपकी मोलैरिटी बहुत इजीली आ जाएगी, देखो बस हमने डेंसिटी हमें नंबर ऑफ मोल निकाले, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से अपने वॉल्यूम निकाला, दैट्स सोल्व, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है ना गाइस। इस क्वेश्चन को आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट दो क्वेश्चन लास्ट करते हैं। आई थिंक अब कोई जेई का क्वेश्चन रह नहीं गया, शायद एनवस्ती सर की बुक का कोई क्वेश्चन करें कि अपने 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना गाइस। चलो ले लो स्क्रीनशॉट गाइस, चलो लास्ट दो क्वेश्चन और करते हैं यार, हमने सारा प्रीवियस ईयर कवर कर चुके हैं, तो बस लास्ट में एनवस्ती सर के दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि आपके दो फॉर्मूले और रिवाइज हो जाए। देखो पहला क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ H2O2 एक्सप्रेस एज 20V, ठीक है, फाइंड नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी। तो देखो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मैलिटी क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 5.6, बस आपको फॉर्मूले याद है और जो मैंने थ्योरी कराई है, अगर ये सब याद है तो केमिस्ट्री में तो सब खत्म कर दोगे आप, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखो गाइस अपने को दिया हुआ 20V, बस आपको पता होना चाहिए जैसे 20V क्या होता है, 20V क्या होता है गाइस, कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 गिव 20 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP, ठीक है ना, बस ये क्लियर हो। तो उसके बाद 5.6 कर दो तो आपकी नॉर्मैलिटी आ जाएगी, कितना आएगा 20 डिवाइड बाय 5.6, इसको करो कि ना करो, कर दो भैया कुछ तो करो, आगे वो फालतू के बैठ के याद कराने को, मैं आपको पता नहीं क्या क्या करा दूं, लेकिन आपके टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो देखो इसको देखो, ये टाइम अपना खराब हुआ ना, कि आपको तो अच्छा लग रहा होगा कि चलो हाँ भैया सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपकी टाइम खराब हो रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है ना, समझो उस बात को समझो, ठीक है ना, इसलिए करते रहो साथ साथ में, इसलिए मैं कैलकुलेशन को अब वो करता हूं। 3.57 गाइस आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो देखो 3.57 अपनी आ गई नॉर्मैलिटी। तो देखो अब लास्ट में क्या रह गया, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है गाइस, बोलो बोलो जल्दी बोलो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 11.2। तो देखो अब अच्छा है, मतलब इसको यही कर सकते हैं ना, 3.57 डिवाइड बाय 2, अरे भाई देखो ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है 11.2, तो 11.2 क्या होता है 5.6 इंटू 2, है ना, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6 हमने निकाला ही हुआ है, तो इसका बस 2 से और कर देंगे तो अपना ये आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो तो अपना 1, तो 7, उसके बाद 8, तो 1.78 अपनी मोलैरिटी आ गई गाइस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बस आपको पता तो होना भाई कि होता क्या है H2O2 का, मतलब मेजर प्रोपोर्शन करने तो किया ही नहीं होता है, आपने तो चलो थ्योरी कर ली है जो आप लोग इधर आए हो, लेकिन मेजर लोगों ने किया ही नहीं होता तो भाई बताओ कैसे कर लेंगे वो क्वेश्चन को इसको, है ना। इसलिए बस थ्योरी अच्छी रखो अपनी, क्वेश्चन तो होगा यार, क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन कहीं और से थोड़ा आ जाएगा, समझ रहे बात को, तो इसलिए करते रहना, रुकना ना गाइस, अपने आप भी क्वेश्चन करो जितने कर सकते हो, सब उठा डालो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नीट के क्वेश्चन करो, एम्स के करो, सब करो, ठीक है, जितना भी टाइम है करो। 20 देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। लो भाई स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या होता है गाइस, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन देखो, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको कराया था, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, मोल ना लिख देना गधो इधर, ठीक है ना, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो हमें कहा गया केजी पर लीटर में, तो इसको पहले केजी में कन्वर्ट कर लो, 20 इंटू गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ज्यादातर बच्चे नहीं इसको भी याद रखते, नॉर्मल बच्चे नहीं याद रखते, आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तब आप याद रखे होंगे, और मैंने आपको कराया भी है अभी अभी, तो आपको याद हो गई, ठीक है ना। तो हमने पहले इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया और डिवाइड बाय वॉल्यूम, वो लीटर में था ही तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो देखो 10 × 10^-3, तो अपना कितना आ गया 10^-2, तो दैट्स स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन विच कंटेन 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 2 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 10^-2। गाइस क्या टफ था इसमें बताओ, अब मुझे बताओ, हमने 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन हमने जेई के किए, उन क्वेश्चन में क्या टफ था, कुछ भी टफ था, कुछ भी नहीं होगा गाइस, बस आप थ्योरी मेरी अच्छी तरह करते रहो, थ्योरी और लेक्चर आपने बहुत अच्छी तरह अटेंड करना है, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।